वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अमरावती में रैली के लिए आज पुणे से निकल रहे हैं। थोड़ी ही देर में उनका काफिला पुणे से निकल जाएगा। इससे पहले घर से निकलते ही तकरीबन 100 पंडितों ने मंत्रोच्चार करके उनके इस अभियान के सफल होने की कामना की। कल औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली भी होनी है। आज सुबह 9 बजे पुणे से काफिला निकल जाएगा। आपको सीधा मेरे संवाददाता रौनक कुकड़े के पास लेकर चलते हैं। रौनक, इस वक्त आप वहां पुणे में हैं, वहां कैसा माहौल और कब तक राज ठाकरे का काफिला निकलेगा? जी निश्चित तौर पर शिखा, मैं आपको बता दूं कि कुछ देर बाद ही राज ठाकरे जो है पुणे के अपने घर से औरंगाबाद की निकलने के लिए तैयार है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो एमएनएस के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए और सुबह सुबह जो दूसरे कई पुरोहित है वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर मंत्रोच्चार किया और मुख्य तौर पर जिस तरह की सभा औरंगाबाद में होने जा रही है उसको सफल बनाने के लिए एक आशीर्वाद जो है वो भी यहाँ पर देने की कोशिश की। मैं आपको तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन अजीत से कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुरोहित है वो यहाँ पर खड़े हुए और सुबह से ही मंत्रोच्चार किया जा रहा है। दरअसल जो मुद्दा राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने और हनुमान चालीसा बजाने को लेकर शुरू किया और राज्य सरकार को जो अल्टीमेटम दिया उसके बाद से ही महाराष्ट्र में राजनीति जो है वो तेज देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह से राज ठाकरे यहाँ से औरंगाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं उसके पहले वे संभाजी महाराज की जो समाधि स्थल है वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी आशीर्वाद लेंगे। आपको बता दें कि संभाजी महाराज को हिंदू अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। जिस तरह से उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई की उसके बाद से ही हिंदू अस्मिता का प्रतीक के तौर पर संभाजी महाराज को देखा जाता है और कुल मिलाकर औरंगाबाद का नामकरण संभाजी महाराज किया जाए इसको लेकर भी कई सालों से ये मांग जो है आदरणीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने भी की थी। और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब औरंगाबाद में ये रैली राज ठाकरे कर रहे हैं क्या ये मुद्दे को भी वहाँ पर उठाते और सरकार पर दबाव बनाते। आप देख सकते हैं कि अब भी मंत्रोच्चार जो है वो किया जा रहा है, शंख बजाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हिंदुत्व का मुद्दा राज ठाकरे ने छेड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जी जी रौनक, वहाँ एमएनएस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, तो जो काफिला अभी निकलने वाला है राज ठाकरे का, क्या ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ रुख करेंगे? जी निश्चित तौर पर जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक करीबन 100 गाड़ियों का काफिला राज ठाकरे के साथ जो है वो औरंगाबाद तक जाएगा और शाम 5 बजे राज ठाकरे औरंगाबाद तक पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगाबाद में जिस जगह पर सभा प्रस्तावित है उसको लेकर कई संगठनों ने विरोध भी दर्ज कराया है और यही वजह है कि बीच में कई पथराव या ऐसी दूसरी स्थिति पैदा ना हो जाए, इसीलिए जो एमएनएस के कार्यकर्ता है वे भी राज ठाकरे के साथ पूरे औरंगाबाद तक साथ रहेंगे और सुरक्षा जो है प्रदान कराएंगे, इस तरह की बात जो है साफ तौर पर कही जा रही है। लेकिन जो राजनीति इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द देखने को मिल रही है उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है राज ठाकरे के इस मुद्दे के ट्रैप में फंसती हुई दिखाई दे रही है। फिर चाहे शिवसेना हो, उन्हें सामने आकर अपने हिंदुत्व के बारे में लोगों को फिर एक बार बताना पड़ रहा है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी जो है वह लगातार ये बात को का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने हमेशा जो है वो भगवानों की पूजा की है। जब भी वो अपने चुनाव क्षेत्र में अपने लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करते हैं तो वे हमेशा भगवान की पूजा अर्चना कर ही आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो हिंदू की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति है वो महाराष्ट्र में राज ठाकरे के इस उठाने की वजह से कई राजनीतिक पार्टियां जो इसकी ट्रैप में अटकती हुई दिख रही है। जी शिखा। जी रौनक, कल औरंगाबाद में सभा है राज ठाकरे का और 16 शर्तों के साथ वहां सभा की इजाजत मिली है। जी कई सारी शर्तें जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से रखी गई है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा ना हो, इसकी भी एमएनएस को कहा गया है कि इसका ध्यान उन्होंने रखना होगा और इसके अलावा कोई ऐसे भाषण वहाँ पर नहीं किए जाए जिससे कि समाज में जो है वो टेढ़ निर्माण हो, मुख्य तौर पर दो समाजों के बीच में लड़ाई जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए, तो इस बात का भी ख्याल जो है वो राज ठाकरे को रखना होगा। और जिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पास इजाज़त मांगी है उनसे भी इस पूरी जो शर्तें रखी गई है उसको पालन करने की दरखास्त जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, नहीं तो सख्त कार्रवाई करने की भी आदेश जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से दिए गए। जी रौनक, एमएनएस के कार्यकर्ता तो वहां मौजूद हैं ही, क्या वहां पे विश्व हिंदू परिषद के लोग भी हैं?
जी देखिए, फिलहाल यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि 3 तारीख का जो अल्टीमेटम मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का राज्य सरकार को दिया है, अगर राज्य सरकार ये मानने में कामयाब नहीं होती है तो निश्चित तौर पर जो हनुमान चालीसा बजाने का जो एक अपने कार्यकर्ताओं का आदेश MNS प्रमुख राज ठाकरे ने दिया है, इस आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद MNS के साथ जरूर खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि कल इस संदर्भ में एक मीटिंग जो है वो पुणे में MNS और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है, जिसमें इस बात पर सहमति बनी है कि 3 तारीख तक अगर राज्य सरकार ये इस अल्टीमेटम को नहीं मानती है तो इस आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद भी MNS के साथ जुड़ेगा। जी रौनक, देखिए कल राज ठाकरे को सभा की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन जाहिर है कि कल भी राजनीति तेज होने की उम्मीद है। ये निश्चित तौर पर राजनीति जो है वो चौतरफा देखने को मिलेगी। कल की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में अलग अलग राजनीतिक दल जो है वो जगह जगह पर रैलियां करते नजर आएंगे। एक तरफ औरंगाबाद में जिस वक्त राज ठाकरे सभा को संबोधित करते रहेंगे, उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसका नाम BJP ने बूस्टर डोज रखा है। दरअसल कार्यकर्ताओं को आगामी जो रणनीति तय करनी है उसके लिए बूस्टर देना है, और सरकार में जो लोग बैठे उनको डोज देने की बात जो है इस सभा के जरिए कही जा रही है, इसलिए इसे बूस्टर डोज सभा का नाम दिया गया है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा अजीत को, या सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसी में राज ठाकरे बैठे हुए हैं, और कुछ देर बाद राज ठाकरे जो है यहाँ से औरंगाबाद के लिए कुछ करेंगे। आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिए। ABP News आपको रखे आगे।